बात है तो हम लोग बात करेंगे सरकार से, क्या मामला है नहीं मामला है हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि माफिया का राज नहीं है, माफियाओं का राज चला गया, अब तो सुशासन का राज है, जनता का राज आया। इरफान जी, तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ इस मामले में संज्ञान में है, हम देखते हैं। आप तो मुख्यमंत्री के बड़े प्रशंसक हैं और कल यूपीए की बैठक मुख्यमंत्री बुलाए और आप लोग नदारद हैं, ये तो बैठक का अपमान आप लोगों ने किया। अपमान नहीं है, कोई कारण है जेपीएससी की नाराजगी को लेकर बताया जा रहा था कि कांग्रेस जेपीएससी से नाराज है। देखिए जेपीएससी से नाराज नहीं, मैंने कहा कि भाजपा लोग इसको हाईजेक करना चाहता है, ये नकली लोग हैं, ये लोग नकली लोग। देखिए जेपीएससी का यही लोग स्टार्ट किया है, छात्र के भविष्य के साथ यही लोग खेला है और आज आप बात करें, आज धरना दे रहे हैं, सर मारा मुझे, इस बात का धरना दीजिएगा आप। आप लोगों ने उस पर मोहर लगा दिया बैठक में शामिल नहीं होने पर। इरफान जी, बैठक में यूपीए की थी, भाजपा कहाँ से आया, बैठक में आप लोग क्यों नहीं शामिल हुए, मुख्यमंत्री आवास पे जो बैठक थी कहाँ थे आप लोग? नहीं ऐसा कोई बात नहीं था, हम लोग 6 बजे तक बैठक था, सभी विधायकों ने अपनी बात रखी, ये हुआ ऐसी हमारी सरकार है, हम लोग बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने परंपरा तोड़ी या नहीं सरकार से कोई? हम लोग तो जोड़ने वाले में से हैं, तोड़ने वाले में से नहीं है, तोड़ने वाले तो ये लोग हैं, देखिए ना। लेकिन क्या सबसे पहले वो अभी तक स्टेट में नहीं हो पाया, जो सत्ताधारी दल होती है उसकी बैठक होती है या नहीं होती है? नहीं होगी, फिर होगी, ऐसे क्या बात है, कब होगी? राजू जी कह रहे हैं कि आप जेपीएससी में इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपके कोई रिश्तेदार का लगता है पास हो गए हैं। राजू जी कह रहे हैं नहीं नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी लोग मैं देखिए नकली लोग हैं, ये लोग बेवजह ये लोग तमाशा बना रहे हैं, हितैषी हम लोग हैं, हम लोग जानते हैं 18 साल इन लोगों ने छात्र का भविष्य खिलवाड़ किया। आज आप क्यों कन्वर्ट कर देते हैं? तो आज सदन में आवाज उठाएंगे जेपीएससी को लेकर मुद्दा उठेगा। देखिए जेपीएससी के साथ हम लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन भाजपा के साथ अन्याय होगा, ये लोग नकली लोग हैं। जेपीएससी के तमाम छात्रों से मैं कहूंगा आइए, विकल्प खुला है, इरफान अंसारी आपके साथ है, डायनेमिक मुख्यमंत्री आपके साथ है, लेकिन ये नकली लोग, ये ढोंगी लोग, भाजपा के लोग आपके आंदोलन को खराब कर रहे हैं और इसी के कारण मैं कहना चाहता हूँ युवाओं के साथ हम लोग हैं, युवाओं ने हमें सरकार बनाया, हमारी सरकार बनाई। 11 बजे रात में 11 बजे रात में धरना देते हैं जेपीएससी के व्यक्ति, धरना नहीं, ये लोग नाटक कर रहे हैं, नाटक क्या जेपीएससी अभी तमाम कर रहे हैं? देखिए तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ बंद कीजिए ये भाजपा के साथ, ये लोग नकली समर्थक लोग हैं, असली समर्थक इरफान अंसारी आपके साथ हैं हम, क्यों नहीं कौन बोला आपके खिलाफ है, कौन बोला आपके खिलाफ है, मोरवादी क्यों नहीं जाते मिलने के लिए? देखिए देखिए मैडम अगर वहाँ मैं जाऊँगा वहाँ भानु मिलेगा तो टकराव तो होगी, जब भानु मिलेगा तो सुनिए, ये लोग भाजपा के लोगों ने जेपीएससी को बदनाम किया, आज हमारे युवाओं के साथ भाजपा ने खिलवाड़ किया, आज नकली ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, बताइए हम लोग। देखिए आपको बता दें कल हम लोग वार्ता किए, हम लोग जेपीएससी के साथ हैं, लेकिन देखिए आज ये लोग कहाँ नाटक कर रहे हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है क्या? जेपीएससी जो छात्र छात्राओं का भविष्य हम लोग देख रहे हैं, आप तमाम छात्रों से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोगों ने हमारी सरकार को बनाया है, आप लोगों ने भाजपा को खदेड़ा है, फिर भाजपा कहाँ से गुजरी है वहाँ? कांग्रेस क्यों भाग रही कल मुख्यमंत्री के पास बात रखते अपने? भागेंगे कहाँ हम लोग क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी है, आप लोग देखिए हम दो बैठक एक साथ हो गई, दो बैठकें एक साथ हो गई, तो बैठक लंबा चला तो कैसे नजर रहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं, वो झारखंड को दिशा और दशा दे रहे हैं, हम लोग उनके पीछे हैं और आगे भी उनके पीछे चलेंगे, मुख्यमंत्री जी का जो काम है जनता देख रही है, आज ये भाजपा के लोग धरना दे रहे हैं इन लोगों को बौखलावट हो गया, मुख्यमंत्री के काम से, मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जनता हमारी खुश है, तमाम छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए छात्राओं से मैं कहना चाहता हूँ, फूका किया छात्र मेरी बात सुनिए, फूका कौन मालूम है आपको? आसू का नेता जो चुनाव लड़ चुका है, सुनिए मेरी बात, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जो मेरा पुतला फूका है सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ ये भाजपा के लोग थे, वो जो लड़का जो पुतला फूका जो बोल रहा था वो आसू से चुनाव लड़ चुका है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नेतागिरी वहाँ नहीं होना चाहिए, भविष्य की चिंता हम लोगों को है, युवाओं के बदौलत हमारी सरकार बनी है, जेपीएससी में जो भी गड़बड़ियाँ हुई है हम लोग देख रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि तमाम छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूँ विकल्प खुला है, आइए इरफान अंसारी के पास, हम चले चलेंगे मुख्यमंत्री जी के पास,
आपके जो भी समस्या है हम लोग समाधान करेंगे। 12 बजे रात तक सड़क पर रुके रहे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। देखिए वहाँ पे भानु जी खड़े थे, वहाँ भाजपा के लोग डंटा खा रहे पीछे से दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आप देखिए भाजपा के लोगों ने देखिए भानु प्रताप बोलते हैं उसको, भानु प्रताप और हटिया विधायक कौन है, नवीन जी है मेरे दोस्त है, वो लोग जेपीएससी के जो आंदोलनकारी छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ उन लोगों ने किया। मैं आज भी जो वहाँ धरना दे रहे हैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ये लोग पाखंडी लोग हैं, भाजपा के लोग मत लाइए। आपने डंटा पीछे देखिए, अगर डंटा खाने का इतना ही शौक, आगे आइए ना, आगे खाइए, पीछे ऐसे कर दिए हैं। अरे भाई क्या मजाक है ये, मैं नहीं चलने दूंगा।